हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका VBA यूज़र फॉर्म की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे नया कंट्रोल, दैट इज़ फ्रेम्स। फ्रेम्स एक ऐसा कंट्रोल है जिसके अंदर आप बाकी कंट्रोल्स को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में टोटली फ्रेम्स के ऊपर रहने वाली है। हम देखेंगे फ्रेम को आप अपने यूज़र फॉर्म में कैसे इंसर्ट करेंगे और इसकी हेल्प से आप क्या क्या काम करवा सकते हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। मैं शालिनी स्वागत करती हूं आप सबका लर्नर्स एकेडमी में। जैसा आपको पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स को स्टडी कर रहे हैं जो हमारे यूजर फॉर्म में यूज होते हैं। इसी सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट कंट्रोल है फ्रेम्स। फ्रेम्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, उसके लिए हम चलेंगे डेवलपर टैब में और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक। इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पे यूज़र फॉर्म। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टॉगल बटन के बारे में बताया, टॉगल बटन कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, कैसे उनकी कोडिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारा जो कंट्रोल है दैट इज़ फ्रेम। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। फ्रेम एक ऐसा कंट्रोल है जिसके अंदर आप बाकी कंट्रोल्स को इंसर्ट करवा सकते हैं। अब ये फ्रेम तो मैंने इंसर्ट करवा लिया है, अब मैं यहाँ पे लेबल इंसर्ट करवाऊँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने ये एक लेबल, तो सपोज़ कीजिए कि मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है, तो मुझे उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। एक लेंथ, तो मैं यहाँ पे व्यू में जाऊँगी, प्रॉपर्टीज़ विंडो में जाऊँगी और यहाँ पे इसका कैप्शन चेंज कर दूँगी और इसको कर दूँगी मैं यहाँ पे लेंथ। फर्स्ट हमारा कंट्रोल फ्रेम के अंदर आ चुका है। इसका साइज़ थोड़ा सा हम इसको रीसाइज कर देंगे। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगी और एक सेकंड मैंने यहाँ पे लेबल इंसर्ट करवा लिया है, दैट इज ब्रेथ। तो अभी एक फ्रेम के अंदर मैंने दो कंट्रोल्स लगा लिए हैं जो कि मेरे लेबल्स हैं। सिमिलरली आप जितने चाहें उतने कंट्रोल्स एक फ्रेम के अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेम का एक्चुअल में पर्पस क्या है कि कई बार क्या होता है, हमें यूज़र फॉर्म इस तरह का डिज़ाइन करना होता है कि जिसमें हमारा जो कंट्रोल्स हैं वो एक ही साथ काम करें, तो उसको हम फ्रेम के अंदर डाल देते हैं। तो पूरा का पूरा ये एज अ एक कंट्रोल आपका काम करेगा। अगर आप इसको शो करवाएंगे तो इसके अंदर जितने भी कंट्रोल्स हैं वो सारे ऑटोमेटिकली शो होंगे। अगर आप फ्रेम को हाइड करवा देंगे तो सारे के सारे कंट्रोल्स क्या हो जाएंगे, आपके हाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं इंसर्ट करूँगी नेक्स्ट, दैट इज़ टेक्स्ट बॉक्स, ताकि यूज़र यहाँ पे लेंथ की वैल्यू एंटर करे और सिमिलरली एक सेकंड टेक्स्ट बॉक्स और एक हम यहाँ पे कमांड बटन इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं एरिया। तो देखिए ये सिर्फ अभी एक ही कंट्रोल जो है यहाँ पर इसमें हमने यूज़ किया है, एक फ्रेम हमारा। और इसी तरह से आप एक यूज़र फॉर्म के अंदर मल्टीपल फ्रेम्स को लगा सकते हैं। तो इसी फ्रेम को मैं आगे कॉपी कर लेती हूँ और एक नेक्स्ट में यहाँ पे फ्रेम बनाऊंगी, दिस इज़ फ्रेम नंबर टू। और यहाँ पे हम, अगर मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है तो मुझे यहाँ पे साइड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे साइड लिख दिया है। और बाकी हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें
सिर्फ और सिर्फ साइड की रिक्वायरमेंट होगी। तो दो मेरे पास यहाँ पे फ्रेम्स आ चुके हैं, फ्रेम वन और फ्रेम टू, और मैं यहाँ पे अब इंसर्ट करने वाली हूँ कमांड बटन। दिस इज कमांड बटन थ्री, और सिमिलरली एक और कमांड बटन हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, कमांड बटन फोर। तो इसको भी रीनेम कर देते हैं कमांड बटन थ्री को। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरिया रेक्टेंगल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया स्क्वायर। तो देखिए अभी इतना ही, मैं इसको रन करके दिखाती हूँ और आपको पता चल जाएगा किस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। तो अभी हमारे यूज़र फॉर्म में दो फ्रेम्स हैं, एक फर्स्ट फ्रेम है जो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा, एक सेकंड फ्रेम है जो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करेगा, और नीचे मैंने दो कमांड बटन्स लगाए हुए हैं, एरिया रेक्टेंगल, एरिया स्क्वायर। अगर मैं एरिया रेक्टेंगल पे क्लिक करूँ तो देखिए अभी तो कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। एरिया रेक्टेंगल पे क्लिक करूँ तो सिर्फ मेरा फ्रेम वन विजिबल हो, एरिया स्क्वायर पे क्लिक करूँ तो फ्रेम टू विजिबल हो। तो इस तरह का कुछ हमें चाहिए। तो वापस चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट में। जो एरिया रेक्टेंगल है इस पे मैं डबल क्लिक करूँगी, इस कमांड बटन की हम कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी मी डॉट फ्रेम वन, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट वाला फ्रेम है वो मुझे विजिबल करवाना है। विजिबल इक्वल्स टू ट्रू। अगर मेरा कमांड बटन थ्री मैंने क्लिक किया है तो मेरा फ्रेम नंबर जो वन है सिर्फ वो विजिबल हो, और जो फ्रेम नंबर टू है वो मैं कर दूंगी इनविजिबल। तो ये हमने कोडिंग लिख दी है कमांड बटन थ्री के लिए। वापस यूजर फॉर्म में चलते हैं। अब हम नेक्स्ट कमांड बटन फोर के लिए कोडिंग लिखेंगे। तो मैं अभी इसको यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। और यहाँ पे हम वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मुझे फ्रेम नंबर वन को विजिबल नहीं करवाना है, तो मैं यहाँ पे करूँगी इसको फॉल्स, और फ्रेम नंबर टू की विजिबिलिटी हम करेंगे ट्रू। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो मैं एरिया रेक्टेंगल जो हमारा कमांड बटन थ्री है इस पर क्लिक किया तो देखिए सिर्फ एक ही फ्रेम विजिबल है, और इस फ्रेम के अंदर जितने कंट्रोल्स हैं वो सारे के सारे आपको विजिबल होंगे, और जो आप करना चाहते हैं, वैल्यूज़ देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं इस तरह से। अगर मैं एरिया स्क्वायर पे क्लिक करूँगी तो देख सकते हैं सिर्फ मेरा फ्रेम नंबर टू जो है वो विजिबल है। यहाँ पे आप साइड देके एरिया कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो ये काम होता है आपके फ्रेम्स का कि वो सारे कंट्रोल्स आप एक फ्रेम के अंदर डाल देते हैं जिनको आपने एक साथ में ही विजिबल करवाने हैं, और एक साथ में ही आपने उनको हाइड करना है। तो ऐसे जैसे जैसे आगे सीरीज़ बढ़ती जाएगी आपके कंसेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। जब हम यूज़र फॉर्म को क्रिएट करेंगे जिसमें हम मल्टीपल कंट्रोल्स को यूज़ करेंगे, तब हमें एक्चुअल में फंक्शनैलिटी हर एक कंट्रोल की समझ में आएगी कि कैसे आपने यूज़र फॉर्म के अंदर इन कंट्रोल्स को यूज़ करना है। अभी मैं आपको पूरी बेसिक नॉलेज दे रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स की। अगर इससे पहले आपने बाकी कंट्रोल्स की इन्फॉर्मेशन नहीं ली है तो प्लीज़ आप चैनल पर विज़िट कीजिए। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी VBA यूज़र फॉर्म नाम की, जिसमें आपको सभी कंट्रोल्स मिलेंगे, और वहाँ से आप उन कंट्रोल्स की जो डिटेल है वो ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट कंट्रोल के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep supporting us.